वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुशवाहा ब्लॉग। तो आप लोग फ्रेंड कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं आज घर में अकेली हूँ, तो आज आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं अकेले घर में क्या करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बाहर, बाहर कितनी कड़क की धूप है, मुंबई की धूप। अब तो बहुत ही गर्मी पड़ने वाला है, देख सकते हैं फ्रेंड। आप लोग तो देख ही लिए होंगे कि बाहर कितना धूप है। तो चलिए, दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं अपना ब्लॉगिंग 2 बजे शुरू कर रही हूँ। तो थोड़ा मैं काम कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा बर्तन धोना है। तो अभी दोपहर का खाना खाई हूँ, तो मैं बर्तन नहीं धोई हूँ, तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा देर में आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं, मैं अपना किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर दी हूँ, पूरा नीट एंड क्लीन। चलिए, तो मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं काम पर और उनका कपड़ा करना है प्रेस, तो मैं अब निकालूंगी उनका कपड़ा। ये है उनका शर्ट, ये है उनका शर्ट, और मैं करूंगी अभी प्रेस। तो कपड़ा प्रेस करके थोड़ी देर में आप लोग से मिलती हूँ। मैंने यहाँ निकाल लिया है आयरन, अभी आयरन करके आप लोग से थोड़ी देर में मिलती हूँ। देख सकते हैं कि मैंने ये शर्ट, दोनों शर्ट आयरन कर लिया है। दोनों थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, बाकी दोनों कलर सेम है। तो देख सकते हैं कि मैंने दोनों शर्ट आयरन कर लिया है। तो चलिए शर्ट को रखते हैं। तो फ्रेंड आप लोग ने देखा कि मैं अपना काम कैसे कर रही हूँ। तो आज तो देख ही लिए आप, और मेरे हस्बैंड गए हैं आज काम से बाहर। तो देखते हैं कि आते हैं मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए क्या लेके आते हैं। मैं बोली हूँ कि मेरे लिए कुछ लेके आइएगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा कि मेरे हस्बैंड लास्ट में क्या लेके आए हैं। शाम तक हो सके आ जाएंगे, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेके आए हैं। तो फ्रेंड शाम के बज गए हैं 5 और आपने देख लिया कि मैं तुलसी मैया में पानी डाल दी, थोड़ा बालकनी भी अपना साफ कर ली। और शाम के बज गए हैं 5, तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं आगे। तो मिलते हैं आगे आप लोग से, ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। तो फ्रेंड आ गए हैं अंदर हम अपने हॉल में, और देखते हैं कि आज तो मन कर रहा है बड़ा पाव बनाने का। तो अगर मार्केट जाएंगे, मार्केट से अगर ब्रेड मिल जाता है तो हम लोग बनाया जाएगा बड़ा पाव, और अगर नहीं मिलता है तो ऑप्शन में दूसरे कुछ बनाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं, जो मैंने जैसे बोला कि बनाते हैं सेम का भुंजिया, तो उसके लिए मैं ले ली हूँ ताज़े ताज़े सेम, देख सकते हैं पूरा सेम ताज़ा है। और चलिए इसको हम छील लेते हैं, छील कर इसका जो छिलाई होता, छिलका होता है उसको हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ मैंने आलू धोकर बैठा लिया है, मैं कुकर लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ आलू चढ़ा दिया है बड़ा पाव बनाने के लिए।
तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा यहाँ भुंजिया तैयार है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं रोटी। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि मैं बड़ा पाव बनाने के लिए बड़ा रेडी कर ली हूँ, बेसन भी रेडी कर ली हूँ और बड़ा को बेसन के साथ लपेट के कढ़ाई में डाल रही हूँ। देख सकते हैं मेरा एक तरफ हो गया है पाव रेडी, अब दूसरा तरफ कर रहे हैं। इसे हम लोग अपना भाषा में या फिर बोल सकते हैं झारखंड में हम लोग इसको आलू चप के भी नाम से जानते हैं और मुंबई में इसे बड़ा के नाम से जानते हैं। तो देखिए मेरा कितना अच्छा बड़ा बन के रेडी हो गया है। और अब मैं एक तरफ तावा पे तेल के साथ देख सकते हैं तेल और हल्का सा धनिया पत्ता का चटनी डाली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा अपना पाव को सेक लूँगी ताकि इसका फ्लेवर उसमें आ जाए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से मेरा बड़ा पाव सेक रहा है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मेरा बड़ा रेडी हो गया है, तो देख सकते हैं कि कैसा है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा पुदीना धनिया पत्ता का चटनी लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसके बीच में रखूँगी बड़ा। देखिए कैसे मैं रख रही हूँ ना बड़ा, फिर उसके बाद मैं अब इसे खाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, मुंबई का बहुत ही फेमस है बड़ा पाव, तो आप लोग भी इसे घर में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग को मैं बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड गए थे लेकिन कुछ भी नहीं लेके आए मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए, बोले कि लेट हो रहा था रात को आए, तो इसलिए मैंने पहले से बड़ा पाव बना के रखा था। तो आप लोग तो देख ही चुके होंगे बड़ा पाव का रेसिपी। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप लोग को आगे कैसा ब्लॉग देखना है वो भी बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।